हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चन 3 सॉल्व करके दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकंड क्वेश्चन तक मैंने पहली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया 1 एंड 2 पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ पर हमारा कह रहा है कि पी आर क्यू दोनों हमको इक्वल दिए हुए हैं, तो प्रूव करना है POS, यानी ये बाहर वाले एंगल हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं अपनी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये वाला एंगल हमको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया POS QR, ये हो गया T। मैं यहाँ पर फिर से वही 1 2 करके लेट कर लेती हूँ। Angle 2, angle 3 एंड दिस इज angle 4। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है हमको PQR इक्वल्स टू angle PRQ, यानी कि angle 2 बराबर हमको angle 3 गिवन है। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, angle 1 बराबर angle 4, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये एक रे आ रही है एंड ST जो है एक लाइन है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ angle 1 plus angle 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर फर्स्ट इक्वेशन, एंड मैं लिख सकती हूँ angle 3 plus angle 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों राइट साइड जो है इक्वल प्रूव हो गए, तो मैं लेफ्ट साइड को इक्वल रख देती हूँ। एंगल यहां लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, angle 1 plus angle 2 बराबर angle 3 plus angle 4। अब मुझे यहाँ गिवन था कि angle 2 जो है, इसको मैं A मान लेती हूँ। ठीक है, तो angle 2 जो है 3 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 को मैं 3 लिख दूँ या फिर 3 को 2 भी लिख सकते हैं। इसको लेकिन 3 ही रहने देना, इसको चेंज मत करना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे हमारे। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम ए, तो हमारा आ गया angle 1 बराबर angle 4। ये तो प्रूफ करना था हमको, यानी कि अब लास्ट में लिख देना POS बराबर angle PRT प्रूफ। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फोर्थ में, x plus y equals to W plus Z, then prove that AOB is a line। हमको प्रूव करने की AOB जो है लाइन है। ठीक है, एक लाइन का मतलब क्या होता है, अगर उस पर दो जो एंगल हैं वो बने हुए हैं और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो है 180 के इक्वल हैं दोनों। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4th, तो ये हमको लाइन दी है B एंड ये है A, ये हो गई, थोड़ी फिगर चेंज हो गई है मेरी। ठीक है, ये W के O पॉइंट पर मिल रही है एंड ये Z हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया। ठीक है, तो हमको बताना है कि X plus Y equals to W plus Z। ठीक है, यदि इफ दिया हुआ है हमको, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मुझे लग रहा है कि AOB मैं लेट कर लेती हूँ कि ये लाइन है। ठीक है, तो AX plus Y equal to 180 डिग्री बाई इस लाइन से अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 180 है। ठीक है, तो मैं लिख दूँ बाय लीनियर पेयर
फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिख देती हूँ W प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी बायलिनियर पेयर। मैं लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों 180 180, तो मैं लिख सकती हूँ X प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस जेड, ठीक है। तो देन देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस ये इतना सा ही आपका क्वेश्चन, इसमें आपको ये प्रूव करना है दोनों राइट साइड आपकी इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिकॉज ये जो 180 180 हो गए तो दोनों इक्वल रख दिए हमने। तो अगली वीडियो मिलते हैं अपने 5th एंड 6th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।